हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप ओप्पो यूज़र हैं या वीवो यूज़र हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने अपने मोबाइल में कोई भी थीम अगर यूज़ की होगी तो कोई ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी। मगर दोस्तों आपके लिए ये सब नहीं करना, आपके मोबाइल में ही ये इनबिल्ट कई थीम रहती हैं जिन्हें बस आपको एक बार जानने की और समझने की ज़रूरत है कि ये कहाँ रहती हैं, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि आपके मोबाइल में इनबिल्ट कई थीम्स रहती हैं और कई वॉलपेपर्स भी रहते हैं। तो ये कहाँ से करना है इसके लिए एक बार जान लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ही जाना है और यहाँ पर आपके लिए वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन का ही ऑप्शन मिलता है, इसको ओपन कर लेना है और सामने आपके सबसे पहला ऑप्शन रहता है सिलेक्ट वॉलपेपर का, तो यहाँ पर आपके लिए क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ये कॉलम दिखते हैं, वहाँ पर है एक फ़ोटो। फ़ोटो के द्वारा तो आप अपने मोबाइल का कोई भी फोटो अपने वॉलपेपर होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं, मगर आपके लिए स्टैटिक वॉलपेपर्स का ये जो ऑप्शन है इस पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी आपने वॉलपेपर डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में जो भी होंगे वो भी आ जाएंगे। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड मोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि साइड में नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं वॉलपेपर और थीम्स का। अगर आपको थीम डाउनलोड करनी है तो थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन के बिना आप ये अपने मोबाइल में डिफ़ॉल्ट में जो इनबिल्ट जो थीम्स का ऑप्शन रहता है वो आपके मोबाइल में रहता है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि कई थीम्स हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि ये थीम्स अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है, जैसे कि ये थीम है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाएगा और अप्लाई भी डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह से आप कोई दूसरी भी थीम अगर देखना चाहते हैं जो भी आपको ठीक लगे आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ओप्पो यूज़र हैं या वीवो यूज़र हैं तो आप इस तरह से चेक कीजिए, या फिर आपका कोई भी अगर मोबाइल है तो भी आप चेक करके ज़रूर देखिए, हो सकता है आपके मोबाइल में ये ऑप्शन इनबिल्ट हो। तो दोस्तों ये जो थीम है अब मैं आपको डाउनलोड करके और अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। तो ये हमने कर ली है डाउनलोड, डाउनलोड के ऑप्शन से, और मैं इसे अब कर देता हूँ अप्लाई। तो अप्लाई करूँगा तो जैसे ही तो ये देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल का पूरा लुक ही चेंज हो गया, जो कि बहुत ही गजब का है और कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कोई भी एप्लीकेशन या थीम की कोई भी मुझे एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सभी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से आप इस ऑप्शन में जाकर वॉलपेपर एंड थीम मैगजीन में जाने के बाद आप वॉलपेपर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं। रैंक के हिसाब से आपको अगर देखना है या जो डाउनलोड के हिसाब से सबसे बेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर्स में आपके लिए कई तरह के आपके लिए ये वॉलपेपर मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये डाउनलोड होने के बाद अगर आप बैक जाते हैं तो आपके लिए हो सकता है कई चीज़ें ना मिले, तो ये ऊपर कॉर्नर में ये जो डाउनलोड का साइन रहता है उसको क्लिक करके आप थीम्स और वॉलपेपर आपके लिए कई तरह के मिल जाएंगे जो आपने डाउनलोड किए होंगे। तो आप इन्हें ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें तब इन्हें आप अपने मोबाइल में होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं, अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में ये चेक जरूर कीजिए, आपके मोबाइल में भी मुझे उम्मीद है कि आपके मोबाइल में ज़रूर ये इनबिल्ट मिल ही जाएगा, जहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की या एक्स्ट्रा कोई भी थीम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल में ही इतनी अच्छी थीम्स है दोस्तों कि बाहर की थीम की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने मोबाइल का स्टाइल और लुक चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये जो है ब्लैक, ये जो कैट का ये जो थीम है, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया और देख सकते हैं कि ये थीम भी हमारे मॉल में काफ़ी बेस्ट लग रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।